जब चाहत हो संकटों को दूर भगाने की, तब एक ही नाम याद आता है, वह है हनुमान। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवन पुत्र हनुमान के जन्म महोत्सव की ओर, जहां हम समझेंगे इसका महत्व, इतिहास और पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। क्या है सनातन धर्म की संस्कृति, क्या है इन बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों का रहस्य, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी अनोखी बातें, अनोखे उपाय, व्रत और त्योहारों की महत्वता और उनकी कथाएं। नमस्कार, SS वास्तु एंड टिप्स में आपका स्वागत है। हनुमान जन्म महोत्सव हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन भक्ति और शौर्य के प्रतीक हनुमान जी के जन्म का प्रतीक है। भारत के कण कण में उनकी भक्ति की गाथाएं गूंजती है, जो न केवल हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा भी देती है। किंवदंतियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के यहाँ हुआ था और वायुदेव ने उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान की थी। रामायण में उनके कार्य जैसे लंका दहन, संजीवनी बूटी की खोज उनकी अद्वितीय भक्ति और बल को दर्शाते हैं। हनुमान जयंती पर भक्त हनुमान जी को सिंदूर और तेल लगाकर सुशोभित करते हैं, जो उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। पूजा में लड्डू और गुड़ का भोग लगाना, दीप जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। इसके साथ ही हनुमान अष्टक का पाठ भी बहुत महत्व रखता है, जिससे जीवन में शक्ति और साहस का संचार होता है। भारत के विभिन्न भागों में हनुमान जन्म महोत्सव विभिन्न रीतियों से मनाया जाता है। उत्तर में जहां लोग जुलूस निकालते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहीं दक्षिण के मंदिरों में विशेष अलंकार और आरती की जाती है। हर जगह इस दिन की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, हनुमान जी की अद्भुत भक्ति को मनाना। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित है, उन्हें हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, मंगलवार का व्रत और चोला चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी के समक्ष दीप दान करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तों का मानना है कि हनुमान जी की कृपा से उन्हें जीवन में कठिन समय में विशेष शक्ति प्राप्त हुई है। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हनुमान जन्मोत्सव न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें शक्ति, साहस और समर्पण की ओर ले जाती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।